हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लंच बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल को रख दिया पतीने में, यहाँ पे और साइड पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई और यहाँ पे मैं एक पैन भी चढ़ाऊँगी। मैं तीनों ही गैस का इस्तेमाल करती हूँ सुबह सुबह। तो पहले मैंने पैन पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और मैं ना यहाँ पे करेला बनाऊँगी। करेले को मैंने क्या किया था, मैंने नाइट में ही काट के उसमें हल्दी नमक लगा दिया था। उससे क्या होता है, करेले को आप जितनी देर तक हल्दी नमक लगा के रखें ना, तो वो कड़वे नहीं बनते। तो फिर मैंने यहाँ पे मोटे मोटे स्लाइस में प्याज डाला। प्याज को मुझे बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, उसको थोड़ा ऐसे कच्चा ही रखना है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे करेले डाल दूँगी। और मैंने ना करेले को ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में काटा है। अगर मैं करेले को इस ढंग से बनाती हूँ तो करेले कड़वे भी नहीं बनते और मेरे हस्बैंड खा भी लेते हैं। वैसे उन्हें भरवा करेले अच्छे लगते हैं, बट सुबह इतना टाइम होता नहीं है, तो मैंने इसी ढंग से बनाया। साइड वाली कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, प्याज डाला और टमाटर डाल के मैंने उसको भी छोड़ दिया। यहाँ पे मैं आलू बीन्स की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने ना आलू को बॉईल कर लिया था, तो रात में ही मैंने बॉईल कर लिया था। क्योंकि उससे क्या होता है कि पहले मैं यहाँ पे इसमें सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर। अगर आप आमचूर डालना चाहते हैं आप आमचूर भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो यहाँ पर नहीं डाला था। अब मैं इसको यहाँ पे मतलब मसाला वसाला डाल के रेडी करके मिक्स करके रख दूँगी। अब यहाँ साइड वाली कढ़ाई में मैंने हल्दी नमक मिर्च डाला और ये बॉयल आलू जो मैंने रात में ही करके रखे थे, मैं उसको भी यहाँ पे मोटा मोटा सा ऐसे हाथ से मैश करके डाल दूँगी। क्योंकि क्या होता है, हम बीन्स और आलू जब भी हम डालते हैं तो आलू को गलाने के चक्कर से बीन्स जो होती है हमारी ओवर कुक हो जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। उसका कलर भी ना ऐसे भूनते भूनते थोड़ा सा डार्क सा हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं पहले ना आलू को ऐसे बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद मैं ना उसमें मैंने बीन्स को भी रात में ही काट के रखा था। फिर मैं उसमें बीन्स डाल दूँगी और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धो के मैंने इसको अच्छे से स्टोर किया था। मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसमें मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं इसको ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं करूँगी, थोड़ा सा जैसे लटपटा सा होता है वो रखूँगी। क्योंकि लंच जा रहा है तो उसमें एक सब्ज़ी गीली होनी चाहिए, एक सब्ज़ी ड्राई हो तो खाने में अच्छा लगता है। अब मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पे। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा उसको मैं थोड़ा सा धीमा कर दूँगी, उसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसको खोल के देखूँगी तो इसलिए अच्छे ढंग से थोड़ा वो हो गई। अगर आपको इतनी ग्रेवी ठीक लगती है तो आप गैस को बंद कर सकते हैं। अगर आप उसका पानी और सुखाना चाहें तो आप वो भी सुखा सकते हैं, बट मैंने इतने में ही बंद कर दिया था। यहाँ मेरे करेले बन के भी रेडी हो गए थे और ये करेला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सिंपल तरीके से है, बेसिक मसालों से, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। सब्ज़ी भी देखिए आप, सिंपल है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चावल के साथ, पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने ये आज अपने हस्बैंड के लंच में दिया था और साइड में मैंने चावल रखा हुआ। चावल मैं पतीले में ही बनाती हूँ क्योंकि, और यहाँ पे ना धनिया तो बाप रे कितना महंगा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाला। ये चावल भी मेरे बन के रेडी हो गए। थोड़ी देर में जब इसका स्टीम वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, तब मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर दूँगी। और यहाँ पर मैं चटनी बना के रखती हूँ जो मेरी 2-3 दिन चल जाए। मैंने यहाँ लहसुन की चटनी बनाई है और हरी मिर्च और ये राइस, और मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय।